बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। तो आज की हमारी जो वीडियो है वो कतर में सिक्योरिटी का जो इंटरव्यू है ना, जो बड़ी से बड़ी कंपनी भी इंटरव्यू लेती है ना, वो ये 5 सवाल लाजमी पूछती है। अगर आप इन 5 सवालों की तैयारी कर लेते हैं, अपने तैयारी के अंदर इस 5 सवालों को ऐड कर लेते हैं, तो फिर आपका इंटरव्यू पास हो जाएगा। आप बाकी सवालों की बजाय इन सवालों पर लाजमी तवज्जो दें, इनमें अपनी इंग्लिश स्पीकिंग है इनको अपनी तेज़ कर लें, ठीक है ना, इन सवालों के साथ। ओके, तो अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताता चलूं कि मैं कतर में हूँ और कतर के बारे में इंफॉर्मेशन वीडियोस बनाता हूँ ताकि आपकी हेल्प हो। आपने जो भी सवाल पूछा उस पर मैं वीडियो बना देता हूँ, ठीक है। तो कतर में मैं सिक्योरिटी में हूँ, मैंने भी इंटरव्यू दिया है, कतर आकर मैंने इंटरव्यू दिया। आप पाकिस्तान से देंगे, मैंने कतर में आकर दिया, फ़र्क बस इतना है। ओके, तो जो पाकिस्तान का इंटरव्यू होता है बहुत ही आसान होता है, उसमें मुश्किल नहीं है। कतर वाला ज़रा थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हम सवालों की बात करते हैं इंटरव्यू की, जो सवाल पूछते हैं उनके हवाले से। तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और एडवांस में लाइक और सब्सक्राइब करने वालों का शुक्रिया। तो वीडियो शुरू करते हैं। पहला जो सवाल होता है ना, सबसे पहला सवाल वो यही देखते हैं कि आप अंदर कैसे आते हैं। आपने हमेशा जब आपका इंटरव्यू के लिए नाम पुकारा जाए, आपने दरवाज़ा लॉक करके जाना है, ठीक है ना, दरवाजे को ऐसे खटकाना है, फिर वो जब बोले कमिंग तब आपने जाना है। पहला सवाल यही वो देखते हैं कि इसको कितना पता है कि अगर किसी के रूम में जाएं या किसी की जगह किसी के रूम के अंदर इंटर करें तो सबसे पहले दरवाजे को लॉक करना है या नहीं, ठीक है ना। सबसे पहला यही सवाल होता है कि आपने लॉक करके जाना है, ठीक है। जो दूसरा हमारा सवाल होता है, आप अगर मॉर्निंग टाइम है तो गुड मॉर्निंग अस्सलामुअलैकुम सर ये ऐड कर देना है, ठीक है ना। अगर आफ्टरनून है तो आफ्टरनून अस्सलामुअलैकुम सर, ओके। वो मुस्लिम है गैर मुस्लिम है इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है ना। वो जवाब दे ना दे आपने कुछ नहीं कहना, ओके। आपने अपना काम करना है, आपने सलाम लेनी है, अपने मजहब को नहीं छोड़ना। वो ये चीजें बहुत गौर से नोट करते हैं, ओके। तो जो तीसरा होता है वो जब बोले तभी आपने बैठना है, आपने अपनी मर्जी से बैठना नहीं है। आपको जब वो बोले सिट डाउन तब आपने बैठ जाना है, उससे पहले आपने नहीं बैठना। अगर वो बोले ना सिट डाउन तो खड़े रहना है, ओके। ये चीज़ें ऊपर आप तवज्जो कीजिए, इन्हीं चीज़ों की बिना पर आपका इंटरव्यू पास होगा। जो बोलने वाले सवाल हैं वो तो बाद की बात है, जो वो देखते हैं अपनी आंखों से उस पर वो पहले सिलेक्शन करते हैं। पहला डोर को लॉक करके जाना है, दूसरा जब वो बोले, दूसरा आफ्टरनून है तो गुड मॉर्निंग का टाइम है तो मॉर्निंग टाइम आपने गुड मॉर्निंग अस्सलामुअलैकुम सर, ओके। आफ्टरनून है तो सेम इसी तरह, और थर्ड है जब वो बैठे बोलने को तभी आपने बैठना है, उससे पहले आपने नहीं बैठना। जो आपका चौथा सवाल है उसमें है कि आपने जो आपकी फाइल होती है वो जाते ही उनके हाथ में नहीं पकड़ा देनी, आपने अपने पास रखनी है, जब वो मांगे तभी आपने देनी है। ये नहीं है कि जाते ही उनको पकड़ा दी, ये ले मेरे डॉक्यूमेंट, ठीक है ना, ये ले मेरी फाइल, ऐसे नहीं करना। आपने अपने हाथ में रख लेनी है, और जब बैठना है तो उसको टेबल के ऊपर नहीं रखना, ऐसे अपनी गोदी में रख लेना है, अपने ऐसे हाथों में पकड़ के रखना है, और हाथों को टेबल के ऊपर नहीं रखना, नीचे रखना है, अपने जो इधर टांगे हैं इनके ऊपर रखना है, ठीक है ना, और रिलैक्स होके बैठना है, कोई इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं है। और जो पांचवें है वो आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस A1 होना चाहिए। ये नहीं है कि चेहरे पर पसीना आ रहा है या टेंशन में हो, नर्वस हो, ये चीज़ों की बिना पर आपका रिजेक्ट हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, ठीक है ना। ये सिर्फ मैंने आंखों से देखने वाली बातें बताई हैं जो वो देखते हैं, इसी की बिना पर आपका हाफ इंटरव्यू पास होता है। बोलने वाला तो बाद में काम है, ठीक है ना, बोलने वाला सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है जो वो देखते हैं, जो वो देखते हैं कि आपको कितनी तमीज़ है, आपको कितना पता है इन चीज़ों का,
कल को वो आपको ऑफिस में जॉब लगाते हैं, आप तो ऐसे ही दरवाज़ा खोल के अंदर चले जाएंगे। अगर उनके दोस्त बैठे होंगे तो आप सलाम वगैरह तो कुछ नहीं लेंगे, डायरेक्ट अपनी बात कर देंगे। तो इन चीज़ों को वो बहुत गौर से देखते हैं, तो इन चीज़ों को दुरुस्त करें इंटरव्यू से पहले पहले। दुबई का भी सेम है, ठीक है ना, दुबई हो गया, किसी भी कंट्री में हो और कोई भी जॉब का आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, इन चीज़ों को लाजमी देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे कि क्या सवाल पूछे जाते हैं, जो बोलने वाले सवाल है ना, तो नेक्स्ट वीडियो उन पर बनाएंगे। ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अगर इन्फॉर्मेशन में कुछ गलती हो गई हो तो बताइएगा, हम दुरुस्त करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में फिर इनको कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।